देखिए रोहिणी जी, पार्टी के न नेता हैं और न पार्टी के कोई महत्वपूर्ण पद पर हैं और न कोई प्रवक्ता है, तो हम लोग जो हैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन के उन वीर पुरुषों को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अनगिनत कुर्बानी का प्रतिफल है हम सभी का आज़ादी। तो आज़ादी की गरिमा को बनाए रखना हम सबों का दायित्व है। तमाम लोग जो हमारे नेता के जो न्याय के साथ विकास की जो धारा है, उस धारा को मजबूत करते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में शामिल करने के लिए, ये तो मीडिया के साथी को हम यही कहूँगा कि कयासबाजी करने की ज़रूरत नहीं है मीडिया के साथी को। ये तो बीजेपी के लोगों से पूछिएगा, बीजेपी के लीडर से पूछिएगा। आप, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इसके लिए कि आप लोग अलग कयास नहीं लगाएं। बिल्कुल सरकार चल रही है, बिल्कुल मैंने हम तो मान रहे हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस बड़ी दल है हमारे इंडिया गठबंधन का, उनको जो है घटक दल के साथ जो है बैठ के आत्ममंथन या खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज पूरे देश में 75वीं गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है, तो वहीं बिहार में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तमाम बयानबाजों के बीच जो है हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं। अभी जो है उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक प्रदेश कार्यालय में झंडा तोलन किया और इस अवसर पर मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने वर्तमान के जो राजनीतिक हालात है इस पर उन्होंने चर्चा की है और साथ साथ रोहिणी आचार्य की जो ट्वीट है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो पहले आप उमेश कुशवाहा के पूरे बयान को सुनिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बिहारवासी सहित पूरे देश के वो सीधा रखिए, गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ और स्वतंत्रता आंदोलन के उन वीर पुरुषों को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अनगिनत कुर्बानी का प्रतिफल है हम सभी का आज़ादी। तो आज़ादी की गरिमा को बनाए रखना हम सबों का दायित्व है। हम तो इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि तमाम लोग जो हमारे नेता के जो न्याय के साथ विकास की जो धारा है, उस धारा को मजबूत करते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में शामिल करने के लिए और पूरे अपने देश को, भारत को जो है फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। अध्यक्ष, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर कल दिन भर सियासी हलचल मची रही, इसको क्या कहेंगे? बीजेपी टकटकी लगा के रखा हुआ है, कह रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए, ये तो मीडिया के साथी को हम यही कहूँगा कि कयासबाजी करने की ज़रूरत नहीं है मीडिया के साथी को। ये तो बीजेपी के लोगों से पूछिएगा, बीजेपी के लीडर से पूछिएगा। नहीं, बीजेपी जो कुछ बोल रही है तो बीजेपी के लीडर से पूछिएगा। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट किया गया आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी की तरफ से, डिलीट किया गया, क्या इस तरह के ट्वीट की जरूरत थी? देखिए रोहिणी जी, पार्टी के न नेता हैं और न पार्टी के कोई महत्वपूर्ण पद पर हैं और न कोई प्रवक्ता है, तो हम लोग जो हैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोई पार्टी के, कोई प्रदेश के अध्यक्ष या कोई नेता कोई बोलते हों तब कोई नोटिस हम लोग करते हैं। देखिए, आप, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इसके लिए कि आप लोग कयास नहीं, अलग कयास नहीं लगाएं। बिल्कुल सरकार चल रही है, गठबंधन के लोग जो है हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल के लोग, हाँ, इसमें तो कांग्रेस को जो रुख को घटक दल के साथ है साफ रखने की ज़रूरत है, उसको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। कांग्रेस जिस तरीके से देरी कर रही है सीट बंटवारे पे, बिल्कुल मैंने हम तो मान रहे हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस बड़ी दल है हमारे इंडिया गठबंधन का, उनको जो है घटक दल के साथ जो है बैठ के आत्ममंथन या खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। ये तो हम पार्टी के निर्णय हम अपनी रखेंगे ना, समझे? अभी हम इस पर पार्टी हमारे इस पर तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बताएंगे, उस पर निर्णय लेंगे राष्ट्रीय स्तर के नेता।
लेकिन अभी अभी कोई उस पर हम लोग निर्णय नहीं लिया है उस पर कोई। तो आपने सुना कि साफ तौर पे उमेश कुशवाहा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोहिणी आचार्या जो है वो कोई नेता या प्रवक्ता नहीं है, उसके बयानों का जो है उतने मायने नहीं निकालना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल किया है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग करने में जो है विलंब कर रही है और इसी का नतीजा है जो इस तरह का जो है राजनीतिक हलचल पैदा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बीजेपी पे हमलावर हैं उमेश कुशवाहा और वर्तमान की राजनीति पर उन्होंने अपनी बात को रखी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वर्तमान की राजनीति को लेकर के हमें कमेंट में बताएं। इस खबर में इतना ही, आगे खबरों को देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।